देश भर में लॉकडाउन के चलते बेरोजगारी की समस्या दूर करने के नाम पर सरकार ने भले ही लाख दावे किए हों, बावजूद इसके बेरोजगारी की चिंगारी कुछ इस कदर भड़क रही है कि शासन प्रशासन के पसीने छूटने लगे हैं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के युवाओं ने बेरोजगार दिवस के रूप में मनाते हुए जमकर प्रदर्शन किया है, जिसमें बेरोजगार युवाओं को खदेड़ा भी गया। लिहाजा प्रतिकूल स्थिति को देखते हुए खरगोन जिले के बेरोजगारों ने भी रैली के सहारे थाली ठोक कर जमकर प्रदर्शन किया और शासन को उग्र चेतावनी दी। इस दौरान बेरोजगारी से तंग युवाओं ने मीडिया से चर्चा में बताया कि समस्या का निराकरण नहीं किया तो केंद्र और राज्य सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। बहरहाल आक्रोशित बेरोजगारों ने थाली ठोक कर शासन के खिलाफ उग्र आंदोलन करने का शंखनाद किया है, जो बड़ी ही चिंता का विषय दिखाई दे रहा है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। बीते एक महीने से हम शासन और प्रशासन को चेता रहे हैं कि जो देश भर में 45 सालों में बेरोजगारी ने रिकॉर्ड तोड़ा है, उस बेरोजगारी पर अंकुश लगाया जाए, निजीकरण को बंद किया जाए और जो बेकार के पद है उनकी भर्ती की जाए। हमारी ये मांग है कि बेरोजगार जो हैं लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कल बेरोजगारों ने पूरे देश भर में मोदी जी के जन्म दिवस पर डिजिटल आंदोलन किया, लेकिन शासन और प्रशासन इससे अवगत नहीं हुआ। इस कारण आज हमें पुनः शाम को 5 बजे वापस जमीन पर उतरना पड़ा और हमको थाली और चम्मच के साथ प्रशासन और शासन को चेतावनी देनी पड़ी कि हम और हमारी मांगे यही नहीं रुकेगी, यही नहीं थमेगी। जब तक हमें रोजगार नहीं मिलता तब तक हम नहीं रुकेंगे, ये हमारा शासन और प्रशासन को चेतावनी है। और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो केंद्र और राज्य में सरकारें जो बैठी हुई है उन्हें हम सजग करना चाहते हैं कि अगर आगे उग्र आंदोलन हुआ तो इसके लिए राज्य प्रशासन, केंद्र प्रशासन और शासन और प्रशासन दोनों जिम्मेवार होंगे। क्या नाम तुम्हारा? ओजस निखाले। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।